ये पूरे पाडर के लिए बड़े गर्व की बात है, खुशी की बात है कि जो सपने हमने संजोए थे जब से हमारी सरकार केंद्र में बनी थी और हमारे प्रदेश में बनी थी, तो इन महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों पर हमारा कैडर जो था वो काम कर रहा था। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आज स्वयं प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ पर उन्होंने विजिट किया और आईटीआई कॉलेज का जो है संगे बुनियाद रखा। कल्चर सोसाइटी स्कूल के बच्चे हैं जो आपको अपने लोकल पॉटी टेस्ट में आपको वेलकम टोकन अखबार से आपका स्वागत कर रहे हैं। इसको लोकल लैंग्वेज में खत्म करते हैं। सर, ये यहाँ के स्कूल के बच्चे हैं जिस स्कूल का नाम है हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर स्कूल है। इस स्कूल के बच्चे हैं, इन्होंने एक ही थाट में विदाउट एनी सेकेंड थाट इन्होंने हमसे कहा कि हम ये खुशी होगी कि हम अपने वर्दी चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर असगर सामंत साहब का वेलकम करेंगे। हमारे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल आईटीआई, एक तो आपको मुबारक हो। हमने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे कैबिनेट ने अभी कुछ महीने पहले सेंक्शन किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने आपका आईटीआई चालू किया। दूसरा, यहाँ इन बच्चों ने जो परफॉर्म किया है इनका शुक्रगुजार है। हमारा बहुत जल्द यहाँ से टनल वगैरह होगी, हाईवे होगी, लद्दाख से कनेक्टेड होगा, हिमाचल से भी लोग आएंगे, ये टूरिस्ट हब बनने वाला है, ये टूरिज्म ट्रेड जरूर रिड्यूस करेगा। तीसरा, यहाँ के जो क्राफ्ट्स हैं जैसे हिमाचली टोपी आप पहनते हो या कोई सॉक्स बनाते हो या कोई और चीज़, इन चीज़ों को भी बढ़ावा देना है, शॉल बनाते हैं, कोई चीज़ करते हैं। चौथा, ये बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया, अगर उन्होंने 9th या 10th पास किया है, इनको भी आईटीआई में दर्ज करें, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि स्कूल में जो भी 10th करते हैं बच्चे या 9th करते हैं, हमको आईटीआई में फ्री में लेते हैं, ठीक है। चौथा, हमने दो ट्रेड शुरू किए हैं, एक तो प्लम्बर का किया है और एक रिक्रूट किया है टेक्नोलॉजी लड़कियों का। मैं चाहूँगा जो बच्चे उधर कर रहे थे थोड़ा उधर जाए, कम पहुँचे, मैं उनके ट्रेड को वहाँ से पहले से देखूँगा थोड़ा। तो ये क्योंकि वहाँ पे हम आए हैं अभी, हमें जब तक आईटीआई, नए आईटीआई का आपको मुबारकबाद हो, हमने जगह देखी, उसका शिलान्यास किया, मतलब एक तरह का संग बुनियाद रखा। वो चीज़ का जमीन हम एडीसी साहब यहाँ बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रिया करते हैं, उन्होंने ट्रांसफर की। मैं इनको बताऊंगा अगर 150 करोड़ वहाँ जगह है तो 100 करोड़ हमें दे दो, कल को पॉलिटेक्निक भी बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन सकता है। Yeah.
आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसा सेकेंडरी स्कूल्स की एक चैन कि जहां पर लोगों को सशक्त किया जाता है, टेक्निकली स्किल किया जाता है, ताकि वो किसी भी डिपार्टमेंट में जा करके है जो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। जी हाँ, स्किल इंडिया मिशन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, हम जिसे अगर कहें आज के डेट में, है कि जिससे जो है गरीबी दूर की जाएगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है दूर की जाएगी और बहुत सारे स्किल्स उसके अंदर लाए जाएंगे, ऐसा एक प्रोग्राम चलाया है माननीय प्रधानमंत्री जी। और उसी के अंडर जो आता है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी चीज़ें आती हैं, उसी के तहत 400 मिलियन जो है मैन एंड वुमेन को एम्पावर किया जाएगा, स्किल किया जाएगा इस मिशन के तहत। और आपको बता दें कि भारत की जो रैंकिंग है, ओवरऑल रैंकिंग इन द वर्ल्ड 68 नंबर पर जो है इंडिया स्किल्ड में आता है ओवरऑल रैंकिंग में, और 19th नंबर पर वो आता है एशिया के अंदर। इसी बीच में बात करते हैं माननीय BDC साहब अर्पण राणा जी से कि कितना बड़ा दिन आज ये हमारे लिए है। बधाई के पात्र ये भी हैं और बधाई के पात्र पूरे मेरे पाडरवासी हैं और अनएम्प्लॉयड यूथ और वो सभी बच्चे जो उसमें एडमिशन लेंगे और टेक्निकली स्किल बनेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय है, किस तरह से अपनी खुशी व्यक्त करना चाहेंगे आज? जी धन्यवाद भीम जी। आज इंडिया सबसे यंग कंट्री जो है, 65% आबादी जो है वो युवा तरुणाई है, और आप वर्ल्ड के तमाम देश देख लीजिए, अगर कोई भी देश अभी तरक्की कर रहा है, अमेरिका हो, चाइना हो, तो वहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है वो स्किल्ड व्यक्ति है। अगर स्किल्ड नहीं होगा व्यक्ति तो वो अनएम्प्लॉयड रहेगा और देश की इकॉनमी जो है उस पर भी असर पड़ता है। जब हर व्यक्ति एम्प्लॉयड स्किल्ड होगा, वो आत्मनिर्भर होगा, उस देश की इकॉनमी बढ़ती है और वो राष्ट्र जो है वो मजबूती के साथ खड़ा होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की ये बहुत महत्वाकांक्षी पहल थी। 2014 में जब सरकार का गठन हुआ तो 9 दिसंबर को ये डिपार्टमेंट बनाया गया, स्किल इंडिया डिपार्टमेंट। तो उसके तहत जैसे क्या होता था कि हमारा जो जैसा क्षेत्र है, फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पर पहले जो सरकारें थी वो ध्यान नहीं देती थी, इग्नोर किया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी का, मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, वो आज फलीभूत हो रहा है। और मैं मानूंगा कि हमारे लिए अमृत काल है, स्पेशली पाडर वासियों के लिए अमृत काल है कि हमें इस काल में, मोदी जी के काल में हमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दिया गया, हमें ITI कॉलेज दिया गया। आज आप देखो मचेल में बैठ कर बंदा 4G चला रहा है, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं पहुँच रही है। मचेल रोड का काम अभी प्रोग्रेस पे है। और आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं कि बहुत जल्द जो पाडर जस्कार रोड है उसकी DPR भी तैयार होने जा रही है। जैसे उसकी DPR तैयार होगी तो उस पर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, मैं अपने लोगों से, पाडर की जनता से कहना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत ही खुशी का मकाम है, बहुत ही गर्व का मकाम है कि आज हमारे पाडर में ITI कॉलेज की का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। मैं उनसे आह्वान करता हूं कि आप अपने बच्चों को बेकार उधर इधर उधर जमींदारी में ना डालें, आप अपने बच्चों को यहां पर एडमिशन करवाएं, ताकि हमारा जो आने वाला प्रोजेक्ट है, जैसे करथई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2 फेजों में स्टार्ट होगा, ताकि हमारे बच्चे अगर स्किल्ड होंगे तो उनको वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और इसकी यहां पाडर की जो है वो इकोनॉमी बूस्ट होगी और उनको जॉब भी मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर ये एक प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी पहल है। और मैं अपनी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय LG साहब का और हमारे पूर्व विधायक माननीय सुनील शर्मा जी का, जिनके अथक और भागीरथी प्रयासों से, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने पाडर की डेवलपमेंट के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आज उन्हीं की वो मेहनत जो है वो धरातल पर रंग ला रही है। हाँ, बीच में कुछ लीडरों ने, झाड़ फूंक वाले लीडरों ने हमारे नौजवानों को गुमराह किया था, उनको सड़कों पर उतारा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है, आज उनके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उनके सामने जो है संगे बुनियाद डाल दिया गया। तो ये मेरे लिए, आप सबके लिए, पूरे पाडर की जनता के लिए ये बधाई है। मैं अपनी तरफ से उनको बधाई देता हूँ कि आने वाला समय जो है पाडर को इस ITI के अलावा, जैसे मैंने कहा जस्कार रोड और कुछ चीज़ें, समय के आने पर मैं आपको बधाई दूंगा, कुछ चीज़ें भविष्य पर, भविष्य के गर्भ में छुपी हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हमको गिफ्ट शायद जनवरी फरवरी के महीने में मिलेगा और उस दिन पाडर में दिवाली होगी, होली होगी, ईद होगी और भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से आप को
कोई भी इशू हो पाडर का, उसको जन जन तक पहुंचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, संज्ञान लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तत्परता के साथ, जिस कर्म निष्ठा के साथ आप अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, आप उस समय भी उस महारैली मेगा रैली को कवर करेंगे और पाडर के आम जनमानस तक जितनी भी डेवलपमेंटल स्कीमें हैं उनको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आप सभी महानुभावों का और एलजी साहब का, डॉक्टर असगर अली सामून साहब का, आईएएस कमिश्नर सेक्रेटरी जो जिन्होंने पर्सनल विजिट यहाँ पर किया, नहीं तो पहले क्या होता था कि कोई मतलब आम आदमी की गुहार नहीं सुनी जाती थी। मैंने तभी कहा कि आज अमृत काल है कि आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का बंदा यहाँ पर आता है और संगे बुनियाद डालता है। तो एक बार फिर मैं अपनी तरफ से, पूरी 13 पंचायतों की तरफ से एक बार फिर अपने पाडर वासियों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और वो दिन दूर नहीं जब पाडर का एक एक बच्चा जो है वो आत्मनिर्भर होगा और इस पाडर की उन्नति में और देश की उन्नति में अपना सर्वस्व निछावर करेगा और हमारे पूरे देश को विश्व गुरु बनाने में सहायक सिद्ध होगा। जी हाँ, ये थी हमारी खास बातचीत यहाँ पर बीडीसी अर्पण राणा जी से, जिन्होंने बताया कि कौन कौन सी वो हमारी अचीवमेंट्स रही हैं। जाहिर सी बात है कि मैं समझता हूँ बहुत ही विहंगम दृश्य होने वाला है वो, कि जब मिट्टी की उस काली पहाड़ी पर, जिसे हम शुक्रुण भी कहते हैं अपनी पाडरी भाषा में, वहाँ पर एक आईटीआई कॉलेज फंक्शनल होगा। और जिस तरह से इंडिकेशंस दिए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कि इसे हम पॉलिटेक्निक में अपग्रेड करेंगे, आप हमें ज़मीन दे दो और फिर ये वहाँ से ले देकर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन सकता है। और उसी के साथ में कॉलेज यहाँ पर फंक्शनल है। संस्कार रोड की हम बात करें, विच इज़ गोइंग टू बी ए मेजर बूस्ट इन द टूरिज़्म। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पर अगर हम बात करें, उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा गिफ्ट, इस सेंचुरी का गिफ्ट मैं समझता हूँ और अपने आप को भाग्यशाली भी हम समझते हैं कि इस दौर में हम जी रहे हैं, कि जब ये अनाउंस हुआ है कि एसटी स्टेटस का जो है अमली जामा उसे पहनाया जा रहा है, जो लगभग कम्प्लीट हो चुका है। ये कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम सभी को ताली बजा करके खैर मकदम इस्तकबाल और धन्यवाद इन सभी लोगों का करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये इनकी कार्यकुशलता और इनकी वादों में और इरादों में दृढ़ता है कि जिसके क्या कहते हैं रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहे हैं। सभी बधाई के पात्र हैं हमारे पाडरवासी और आशा करते हैं कि आगे और भी ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स पाडर में आने वाले हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, देखते रहें पाडर में चल। जय हिंद, जय भारत।